अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग गैलेक्सी A7 2018 के गोल्ड कलर के वेरिएंट की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये फोन आपको पसंद आया है कि नहीं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का कुछ मिलता है हमें बॉक्स देखने को। यहाँ पर मिलता है A7 लिखा हुआ और यहाँ पर मिलता है हमें सैमसंग गैलेक्सी A7 लिखा हुआ है। ये विदाउट वारंटी, लेकिन इंटरनेशनल वारंटी कार्ड इसके साथ आता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है IME नंबर देखने को। और अब बताता चलूँ कि ये है गोल्ड कलर में, पहले ब्लू में मैं दे चुका हूँ अनबॉक्सिंग आपको इसकी। और ऐसे कुछ पीछे की साइड पर देखने को मिलता है हमें लिखा हुआ, लेकिन पहले मैं इसका रैपर उतार लेता हूँ ताकि आपको हो जाए क्लियर कि आपको बॉक्स सारा साफ नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, ये हो चुका है क्लियर। अब यहाँ पर बात कर लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन्फिनिटी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा, 4G LTE देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ आपको देखने को मिलता है इसका रेक्टेंगल एंगल यहाँ पर मिलता है, 24 MP लिखा हुआ 5 MP के साथ, 8 MP का है ट्रिपल कैमरा, 24 MP का है फ्रंट कैमरा, 4GB 128GB वाला है ये वेरियंट। सो अब कर लेते हैं हम फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि फ़ोन में एक्सेसरीज़ क्या क्या मिलती हैं, क्या क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का हमें मिलता है एक फ़ोन के ऊपर रैपर चढ़ा हुआ। हम रैपर को उतार लेते हैं और साथ ही फिर देखते हैं इसके बॉक्स में आपको एक्सेसरीज क्या मिलती है क्या नहीं। तो यहाँ पर A7 आ चुका है बाहर, इसको साथ ही हम कर लेते हैं अनलॉक, इसको ऑन कर लेते हैं। साथ ही आपको अब देखते हैं कि इसके अंदर एक्सेसरीज क्या मिलती हैं। मैनुअल बुल देखने को मिलता है, साथ ही आपको देखने को मिलता है एक सिलिकॉन कवर, और इसके अंदर देखने को मिलती है आपको माइक्रो USB की 2.0 वाली चार्जिंग पोर्ट जो कि फास्ट चार्ज नहीं करती। और अब देखने को मिलता है चार्जर, और चार्जर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर चार्जर है, यहाँ मिलता है हमें 1 एम्पेयर वाला चार्जर जो कि 1.5 एम्पेयर में चार्जर है, 5 वॉट के साथ, फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, इतनी महंगी डिवाइस में मिलता है ये वाला चार्जर। साथ ही मिलता है सिम इजेक्टर टूल देखने को, और देखने को मिलती है एक हैंड फ्री हमें। ये तो होगी बॉक्स के कंटेंट्स की बात, अब ले आते हैं हम A7 को सामने यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है ग्लास की, एल्यूमिनियम का मिलता है फ्रेम केस, इस साइड पे आपको देखने को मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि काम करता है बहुत ही अच्छा। साथ ही मिलती है आपको एक वॉल्यूम रॉकर की देखने को, और आपको नीचे की साइड पर देखने को मिलता है माइक्रो USB जैक की साइड पर देखने को मिलता है एक स्पीकर फोन, यहाँ आपको देखने को मिलता है माइक, और साथ ही देखने को मिलता है 3.5 mm का जैक। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 6 इंचज़ का डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4011 के आपको PPI देखने को मिलते हैं, बेजल्स हैं थोड़े से थिक लेकिन डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 24 MP का कैमरा, साथ ही देखने को मिलती है एक फ्लैश लाइट, और ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिलता है एक एक्सटर्नल माइक। रियर साइड की बात करें तो कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, गोल्ड कलर है काफ़ी खूबसूरत। यहाँ आपको देखने को मिलती है डुअल टोन LED लाइट, और इस साइड पर आपको देखने को मिलते हैं 3 कैमरा, 24 MP, 8 MP और 5 MP का डेप्थ सेंसर के लिए कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ अगर अपर्चर की बात करूँ तो जो रियर साइड का कैमरा है जो कि है 24 MP का, उसका अपर्चर यहाँ पर रखा गया है 1.7 जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप लेना चाहते हैं इसका कैमरा टेस्ट तो प्रेस द लाइक बटन एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको मैं आपको इसका कितनी जल्दी दे सकूं कैमरा कंपैरिजन। बात करें रैम और रोम की, जैसा मैंने पहले बताया ये है 4GB वाला और 128GB वाला वेरिएंट। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है कुछ साइट्स पे मेंशन ये है कि ये है 7880, लेकिन ये मिलेगा आपको 7885 का प्रोसेसर यहाँ पर देखने को, एक्सिनोस का 7885 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 2.2 ऑक्टा कोर है, कोर्टेक्स A53 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर।
और अब जीपीयू की बात करें तो यहाँ जीपीयू भी सैमसंग का आपको देखने को मिल जाता है, ग्राफिक्स हैं काफ़ी बेटर। बेंचमार्क्स की बात करें तो बेंचमार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके कि इसके अंदर आपको बेंचमार्क्स क्या मिलते हैं क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हो चुका है कंप्लीट एंटूटू बेंचमार्क अटैक्स और आपको यहाँ पर मिल रहा है स्कोर 122,387। अगर आपको कैमरा प्रॉपर दिखा पाया तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर इतने भी बुरे नहीं हैं A7 2018 के, लेकिन इसका जब करेंगे हम स्पीड टेस्ट बहुत सारे फ़ोन्स के साथ तब आपको पता लगेगा बेहतर के इसकी रैम मैनेजमेंट कैसी है कैसी नहीं। हैंडफील की बात करूँ तो हैंडफील है काफ़ी बेहतर। बेसिकली इस रेंज में जितने भी फ़ोन आते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े होते हैं। हैंडफील है काफ़ी बेहतर, डिस्प्ले है काफ़ी बेहतर, लेकिन प्राइस है थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर। मुझे आप कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा कि आपको A7 पसंद आया के नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग A7 के। दोनों ही कलर्स आपके हैं सामने। अगर आप लेना चाह रहे हैं A7 का कैमरा रिव्यू और आप साथ ही करना चाह रहे हैं इसका बैटरी टेस्ट तो मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं आपको एज सून एज़ पॉसिबल वो कंटेंट भी ज़रूर दे दूंगा। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं A7 2018 का कंपैरिजन किसी भी फ़ोन के साथ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दूँगा आपको बहुत जल्दी इसका कंपेरिज़न। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।